गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कोर्स बुक का पार्ट 7 मेरी किताब कहानी पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस कहानी में किताब की चर्चा की गई है। देखिए, इस कहानी को पढ़ते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। देखिए, माँ ने क्या वीरू नाम की एक लड़की है, वीरू को एक संदेश देकर एक खबर देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ की बहन यानी कि वीरू की मौसी। तो माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। देखिए, मौसी जो थी वीरू की, तो वीरू को प्यार से अंदर बुलाई, बोली कि अंदर आ जाओ, और बैठक में ले गई और बैठने का जो कमरा होता है वहाँ पर उसको ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। देखिए, बैठक यानी कि जिस कमरे में वीरू को मौसी ले गई, वहाँ वीरू जैसे ही कदम रखी, पैर रखी, वो आश्चर्य में पड़ गई या सहम गई। ठीक है, अब देखिए उसने क्या ऐसा बैठक में देखा कि उस वो एकदम सहम सी गई, ठिठक गई। तो जैसे ही वीरू ने बैठने वाला जो कमरा था उसमें कदम रखा तो वो ठिठक गई है। देखिए क्यों, उसने सोचा, बाप रे इतनी सारी किताबें। देखिए, जिस कमरे में वो गई है उस कमरे में बहुत सारी किताबें हैं, तो उसने कहा, बाप रे इतनी सारी किताबें। उसने बहुत सारी किताबों को देखकर लगा कि बाप रे इतनी सारी किताबें, इसलिए वो क्या सहम गई, आश्चर्य हो गई इतनी सारी किताबों को देखकर। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। देखिए, जिस कमरे में वीरू गई उस कमरे में नीचे से ऊपर तक क्या थी, किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दीवारें थी। उस कमरे में बहुत सारी किताबें थी। ठीक है, वह आंखें फाड़े देखती रही। जो वीरू थी वो आंखें फाड़े यानी कि उसे लगा कि इतनी सारी किताबें भी होती हैं। वो एकदम आश्चर्यचकित रह गई और आंखें फाड़ी किताबों को क्या देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? देखिए, उसने जब अंत में मौसी से हिम्मत करके उसने पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। उसने मौसी से पूछा कि आपके पास तो इतनी सारी किताबें हैं, देखने की मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक ही, नीचे से ऊपर तक किताबें भरी हुई थी। तो उसने हिम्मत करके अपनी मौसी से पूछा कि मौसी, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। मौसी ने वीरू को दिखाया। ठीक है, मौसी ने वीरू को दिखाई कि देखो, ये वाला खाना और यह वाला खाना, जो कि एक सजाकर किताब को रखी गई थी। तो उनमें से जो बच्चों की किताब थी, ठीक है, उसमें जो बच्चों की किताब थी, तो मौसी ने वीरू को दिखाई और कही कि यह वाली किताब, ठीक है, ये सब जो किताबें हैं ये बच्चों के लिए हैं और ये सब किताबें जो हैं बच्चों के लिए हैं। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। वीरू हैरान रह गई इतनी सारी किताबों को देखकर। तो वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें। उसने कहा कि मतलब बहुत सारी किताबें थी। तो उसने कहा, बहुत सारी किताबों को देखकर, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास किताबें इतनी नहीं हैं। वीरू के पास क्या था कि वीरू के पास इतनी सारी किताबें नहीं थी। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। देखिए, जब वीरू ने
जब वीरू ने कही कि मेरे पास किताबें नहीं हैं, आपके पास तो बहुत सारी किताबें हैं, तो मौसी ने कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तो मौसी ने वीरू से कही कि अगर तुम चाहती हो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ कि तुम भी पढ़। अगर देखिए, जैसे कि वीरू की अगर इच्छा है, मौसी ने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो कुछ किताबें मैं तुम्हें दे सकती हूँ पढ़ने के लिए। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? मौसी ने वीरू से पूछा कि तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है। देखिए बच्चों, किसी को हिंदी की किताब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, किसी को अंग्रेजी की किताब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो मौसी ने वीरू से भी पूछा, वीरू से पूछी कि तुम्हें किस तरह की किताबें पढ़ने में अच्छी लगती है, बताओ। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू ने धीरे से कही कि मुझे मालूम नहीं है। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई। देखिए, मौसी जो थी उसने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने वीरू से कही कि तुम यह एक किताब पकड़ो, इस किताब को पढ़कर देखो, ठीक है कि एक किताब देखकर। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। वीरू जी थी इतनी, मतलब जब मौसी ने वीरू को किताब दी तो वीरू क्या हुई, घबरा गई, डर गई, कि पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने जो किताब दी थी वह बहुत मोटी थी। तो वीरू ने कही, वीरू जी थी उसने कहा कि यह तो बहुत ही मोटी किताब है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। मौसी ने उसको सलाह दी, ठीक है, मौसी ने वीरू को सलाह दी कि ठीक है, कहीं देख लो यह वाली किताब कहीं सही है तुम्हारे पढ़ने के लिए। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। देखिए, जब एक किताब मौसी ने दी तो वीरू को बहुत मोटी लगी, जब मौसी ने दूसरी किताब दी तो वीरू ने कही कि यह बहुत बड़ी है, क्या है कि यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने जो यह किताब दिया था, यह किताब बहुत बड़ी थी और वीरू का जो वीरू बैग लेकर आई थी उसके बैग में वो किताब नहीं आ पाती, तो उसने कहा कि यह किताब बहुत बड़ी है। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। मौसी ने वीरू को एक और किताब दिखाई, ठीक है, और उसने कहा कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया। वीरू ने क्या की कि किताब के पन्ने पलटी और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। देखिए, इस बार जो मौसी ने वीरू को किताब दी तो वीरू ने क्या कही कि मौसी, यह किताब बहुत ही पतली, मतलब इसमें पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत कम है और इसमें बहुत ही छोटी छोटी तस्वीरें हैं और यह किताब बहुत ही क्या है, पतली है, ठीक है, यह किताब बहुत ही क्या है, पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। देखिए, जब मौसी ने एक किताब दी तो वीरू को वो किताब बहुत मोटी लगी, जब दूसरी दी तो उसने कहा कि ये मेरे बैग में नहीं आएगी, जब तीसरी किताब दी तो वीरू ने कही कि यह किताब बहुत ही पतली है। तब मौसी थक कर क्या बोली कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, ऐसा करना, अगली बार जब तुम जाओ आओ तो अपने साथ एक फूटा लेती आना। देखिए, मौसी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम अगली बार आना तो ऐसा करना कि एक फूटा लेते आना। वीरू ने पूछा,
फूटा क्यों? ठीक है, तो जब मौसी ने कहा कि तुम एक फूटा लेते आना जब अगली बार आना, तो वीरू ने पूछा कि फूटा क्यों? तो मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले आना। ठीक है, क्योंकि नाप कर ले लेना, क्योंकि मौसी ने उससे कहा कि अगर तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम फूटा से नाप कर ले लेना, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगले बार तुम आना तो एक फूटा लेती आना। तुम्हें जिस तरह की जैसी किताब चाहिए वैसी किताब तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। देखिए, वीरू ने माँ ने जो संदेश दिया था उसने उस कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। ठीक है, ओके। तो बच्चों, आपका होमवर्क है, इस कहानी को आप अच्छी तरह से पढ़ो। ओके, थैंक यू।